खाना रास नहीं आता, हॉबी से मन उठ गया है। पूरा दिन दिमाग में बस यही बात शुरू है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी। पहले तो उसे ये नोकझोंक बड़ी क्यूट लगती थी, अभी वही नोकझोंक ब्रेकअप का कारण कैसे बन गई। उफ, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई दैट वी हैड टू ब्रेक अप। हम जानते हैं प्यार पहला हो या पुराना, उसके खत्म हो जाने से दिल उतना ही टूटता है। जब एक्स को भुलाने की बात आती है तो वी ऑल नीड हेल्प, और आपके लिए मैं हूं ना। इस वीडियो में जानेंगे कि हम इस फेज में खुद को कैसे संभाल सकते हैं। सो आपके टिश्यू बॉक्स को जरा साइड में खिसकाइए, एक पेन और बुक उठा लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने दिल को उसके मन की करने दें। नींद ही नहीं आती, दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। आई फील स्टक इन दोज थॉट्स बट आई वॉन्ट टू मूव ऑन। अब इतनी जल्दी मूव ऑन होने का कोई फॉर्मूला होता तो वीडियो के पहले 2 मिनट में ही बता देते। और ठीक है ना, कभी कभी कुछ ना करना इज द सोल्यूशन, थोड़े दिनों के लिए ही सही, बट गिव योर हार्ट अ ब्रेक व्हाइल डीलिंग विद दिस हार्ट ब्रेक। तो फेस इट, क्राई इट आउट, येल इट आउट, जर्नल इट आउट, बट खुद के मन को क्लेंस कर दो उन सभी इमोशन से। और जरूरी भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं बॉटल्ड अप इमोशन से कभी किसी का भला हुआ है नहीं, उससे आपके शरीर और दिमाग पे इरिपेरेबल नुकसान होता है। सो लेट इट गो, डिलीट ऑल मेमोरीज। अपनी पुरानी फोटोज और गिफ्ट्स, कार्ड्स, पुरानी व्हाट्सएप, इंस्टा चैट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स से थोड़े टाइम के लिए दूर रहे। जरूरी नहीं है कि मूवीज की तरह ब्रेकअप के बाद आपको इस सारे सामान को एक बड़ी सी आग में जलाना हो या फ्लश करना हो। देर आर बेटर वेज, अपने पीस ऑफ माइंड को ज्यादा वैल्यू करें सोशल मीडिया अपडेट से। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे पहले मूव ऑन कर जाए और घूमने फिरने की फ्रेंड्स के साथ या अपने नए पार्टनर के साथ फोटो डाले। इन अपडेट्स और फोटोज डालने से आपको नेगेटिव इमोशंस या और गंदा फील हो सकता है, जैसे कि ये ब्रेकअप के बाद कैसे घूम रहा है, हाउ कैन दे बी सो इग्नोरेंट, क्या इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। ये सब अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। टॉक अबाउट इट जैसे भी आपका मन करे। बहुत जरूरी है कि आप वेंट करें। वेंट मतलब अंदर जो भी है उसे बाहर निकाल दें। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि महज बात करने से आपके नेगेटिव इमोशंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। एंड एज बाबूराव सेज, खुशी बांटने से दुगनी होती है और दुख बांटने से कम। बट इफ यू आर थिंकिंग कि मैं तो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, मेरा मूव ऑन करने का तरीका तो बहुत अलग है, आई डोंट लाइक टॉकिंग, आई शट माई सेल्फ डाउन इंस्टेड, किसी और को बर्डन नहीं करना चाहती, तो वो भी ओके है। हम कोई एग्जाम नहीं दे रहे जहां सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन का आंसर सेम देना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी लाइफ और इमोशंस है, तो आप जैसे चाहे उसे डील कर सकती हैं। इन दिस केस बहुत सारे लोग पोएम्स, स्टोरीज, जर्नल यानी कि डायरी लिखना पसंद करते हैं। कई बार उन इमोशंस को लिखने से, बयां करने से या पढ़ लेने से वी फील वी आर नॉट अलोन। पैम्पर योरसेल्फ, द वे ही वुड केयर अबाउट मी, द वे ही वुड पैम्पर मी। हाँ, मिस करना जायज है, इतना प्यार दोबारा हमसे कौन कर पाएगा, क्या हम प्यार रिसीव करना डिजर्व भी करते हैं। अगर अपनी फेवरेट ड्रेस को बेचना पड़े तो क्या कबाड़ी के रेट से उसे जज करोगी, नहीं ना, तो खुद के साथ इतनी ब्रुटालिटी क्यों। अपने सेल्फ वर्थ की डोर किसी और के हाथ में हम क्यों दे देते हैं। ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम इस फेज में सबसे लो होता है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। द वन पर्सन यू थॉट लव्स यू फॉर व्हाट यू आर,
does not want you anymore. लेकिन सच ये है कि हाँ, you are enough. And there are a lot of people around you who will second this. But the most important person who needs to believe this is yourself. ऐसे situations में खुद को doubt करना आसान है और natural भी. पर when it gets tough, we have to get tougher, isn't it? उन्हें उस pedestal से उतारे. दिल ने किसी को अपना मान लिया, दिमाग ने भी हामी भर दी. हाँ हंसी बन गए, हाँ खुशी बन गए, फिर वो चले गए. बेचारे दिमाग, दिल और टाइम टेबल को हैंग करके वो चले गए. पर सिस्टम की मेमोरी में अब भी वही टाइम टेबल है, वही हरकतें हैं. हैंग आउट करना है तो उनके साथ, वॉक पे जाना है तो वो भी उनके साथ, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस में अपने दिल के राज खोलने हैं वो भी उनके साथ. पर वो तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? पहले तो ये करे कि उन्हें अपने लाइफ के जिस राज गद्दी पे आपने बिठाया है वहां से उतारे और मेरे साथ कहे, ही वॉज माई बॉयफ्रेंड बट ही इज माई एक्स. वीडियो पॉज करके 5 बार रिपीट कीजिए. ये तब तक रिपीट कीजिए जब तक आपका दिल ये रजिस्टर नहीं कर लेता कि वो आपका पास्ट थे. उनकी वजह से आप आपके प्रेजेंट को इग्नोर कर अपने फ्यूचर के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते. लुक एट योरसेल्फ, पिक योरसेल्फ अप एंड गो सिट इन द क्वींस सीट ऑफ योर लाइफ. कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. कल कॉलेज की किताब खोली तो उसका एक लेटर मिला जो हमारी पहली मंथ एनिवर्सरी पे उसने मेरे लिए लिखा था. मेरे फेवरेट कैफे जाती हूँ तो फ्रैपे लाटे ऑर्डर नहीं कर पाती क्योंकि इट रिमाइंड्स मी ऑफ हिम. वो सड़कें जिन पे कभी हाथों में हाथ लिए हम चलते, उन सड़कों पे चलते वक्त जोर से बैग का हैंडल कस लेती हूँ और बस यही प्रे करती हूँ कि सबके सामने मुझे रोना ना आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग हग टू यू. सेकेंडली, इससे बचने का एक शॉर्टकट है, खुद के साथ हमेशा कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज रखना, जैसे कोई किताब या म्यूजिक या सोशल मीडिया. और फिर भी अगर मन दोबारा सपनों की गलियों में जाने की जिद करे तो इस बार एक नई कहानी बुनना, उन्हीं सड़कों के साथ नई मेमोरीज बनाना जिसकी मेन लीड आप हो. कुछ दिनों में देखना आप दोबारा उस कैफे में जाएंगी और अपनी नई फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ऑर्डर करेंगी. पिक अप अ न्यू हॉबी. द ट्रूथ इज दैट यू श्योर हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड राइट नाउ. मौका भी है, दस्तूर भी. आज दोबारा खुद से मिलना शुरू करते हैं, किसी की दुखी निराश एक्स गर्लफ्रेंड से नहीं, खुद से मिलने की कोशिश करते हैं. आंखें बंद करें और याद करें इस रिलेशनशिप के टाइम टेबल से पहले आपका दिन कैसा दिखता था. सोचिए वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप पहले बहुत एंजॉय करती थी पर फिर वो खोती चली गई. आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का रिटर्न गारंटीड नहीं है, लेकिन आप अपने आप से वापस मिल सकती हैं. एंड आई सॉ हिम अगेन. इमेजिन कीजिए ये सिनेरियो. सब कुछ सही चल रहा था, आई हैड फाइनली मूव्ड ऑन, बट आई सॉ हिम अगेन. दिल ठहर गया, सांस रुक सी गई, सारी यादों के फ्लैशबैक में पिछले कुछ दिनों में खुद को लिफ्ट करने की जो कोशिश की थी सब उस एक झलक में डूब गई यार. और खुदा ना खास्ता अगर वो किसी और लड़की के साथ दिख जाए फिर तो हाले दिल को कैसे ही बचाए. ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले खुद का या साथ किसी दोस्त का हाथ पकड़ लो. हाँ, खुद को फिजिकली रोक लो, एक गहरी सांस लो और एक गहरी सांस और एक, बस एक आखिरी और. आई होप इस पॉइंट तक आप मेंटली काम हो गई हैं. यहां से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उन्हें कन्फ्रंट करें या अपना रास्ता मोड़ लें.
मैं अगर आपकी जगह होती तो अपने दिल से पूछती कि क्या सही होगा कि पिछले दिनों के उस सारे टर्मोइल को वेस्ट होने दूं? क्या उस विशेष सर्कल में मुझे दोबारा खुद को उलझाना है? एक बार करो तो उसे गलती मान सकते हैं, पर सोच समझ के दोबारा सेम खाई में कूदना क्या सही होगा? आई नो, आपका दिल उस मोमेंट में आपको सही जवाब ही देगा। कैन वी रियली बी फ्रेंड्स? शायद वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, बट यू हैव टू डिसाइड, कैन यू रियली बी फ्रेंड्स विथ हिम? रिसर्च और स्टैट्स ये बताते हैं कि ब्रेकअप के बाद मेल्स कम पेन फील करते हैं कंपेयर टू विमेन, क्योंकि औरतों को इमोशंस की ज्यादा समझ होती है, यानी कि उनका ईक्यू इमोशनल कोशेंट हाई होता है। अपने एक्स के साथ ब्रेकअप के बाद भी वैसी ही फ्रेंडशिप मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये समझ लीजिए। कभी स्ट्रॉन्ग कभी नंब। कभी तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग फील करेंगी और बोलती होंगी, आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल। वैसे भी कितनी बंदिशें होती है रिलेशनशिप में। और कभी कभी ये दीवाना पागल दिल पिघल जाएगा और कहेगा, उसे फोन करो या बस एक मैसेज, शायद उसे भी तुम्हारी याद आ रही हो। क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स से मूव ऑन करने में मदद करेगी? ये मेरे साथ क्यों हुआ, इस सवाल का क्या कोई ऐसा जवाब हो सकता है जिससे आप सुकून की नींद सो पाए? नहीं ना, तो क्यों खुद को दोबारा उस क्यों के चक्कर में डालना है? प्यार और जेन्युइन अप्रिसिएशन कभी चैरिटी में नहीं मिल सकती। तो किसी के प्यार के टुकड़ों पे पलने से बेहतर है खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की दावत सजाओ ना बहन। यू गॉट टू बिलीव इन लव अगेन। मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूं। आई डोंट थिंक एनीवन कैन लव मी एनी मोर। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ऐसे थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं या फिर आपके व्हाट्सएप चैट्स में टाइप हो रहे हैं, देन स्टॉप एंड लिसन टू मी। यू डिजर्व बेटर। ये ख्याल आना कि आपकी लाइफ में दोबारा कभी प्यार आएगा ही नहीं, या फिर आप रिलेशनशिप में रहना डिजर्व ही नहीं करती, नेचुरल है लेकिन जरूरी नहीं है। एक मिनट सोचिए, जब दो इंसानों की बनती नहीं, व्हेन लव लीव्स देम, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें किसी की गलती हो। मोस्टली हमारी अपब्रिंगिंग, हम लाइफ में किस स्टेज पे है, हम कितना कमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हम इमोशनली कितना मैच्योर है, ऐसे कई फैक्टर्स पे ब्रेकअप्स और प्यार दोनों डिपेंडेंट होते हैं। तो पहली बात, खुद को ब्लेम करना बंद करें। वो अगर गए हैं तो उसका कारण आप नहीं है। एक एक्सपीरियंस की तरह उस रिश्ते को देखिए, उससे सीखिए। आपको क्या चाहिए ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आपको क्या नहीं चाहिए इसका इल्म आपको आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा। वक्त दीजिए। इंसानों की तरह रिश्तों को, इमोशंस को भी समय की जरूरत होती है। और एक सीक्रेट बताओ, सून देयर विल बी अ डे व्हेन यू वेक अप एंड आपको रियलाइज होगा कि थैंक गॉड आई वेंट थ्रू व्हाट आई डिड, और एल्स आई वुड नॉट हैव बीन व्हाट आई एम टुडे। I hope that day comes to you soon. Until then, keep reminding yourself that you are strong, you are loved, and you, behen, are enough.